दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बैटरी रेंज और चार्जिंग टेस्ट कंपैरिजन कुछ लेटेस्ट स्मार्टफोन्स के बीच में, जिनमें आप देख सकते हैं हमारे पास अवेलेबल है पोको X2, रियलमी X2, रियलमी XT, रेडमी नोट 8 प्रो और सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी A51। तो दोस्तों इस वीडियो में पहले तो हम 100 to 0% बैटरी ड्रेन करेंगे इन सभी फ़ोन्स का, और उसके बाद फिर से चार्ज करेंगे 0 to 100%। देखते हैं कि कौन से फ़ोन का बैटरी बैकअप कितना है और कौन सा फ़ोन कितनी देर में 0 to 100% चार्ज हो जाता है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये ज़रूर बता दें कि पोको X2 वही फ़ोन है जो कि रेडमी K30 के नाम से चाइना में लॉन्च हुआ था। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं ये सभी फोन है 100% बैटरी पर, और अब आप देख सकते हैं इन सभी फोन्स में हमने वाईफाई को कनेक्ट कर लिया है, ब्लूटूथ और जीपीएस को भी ऑन कर दिया गया है, और इसके अलावा जो ब्राइटनेस है इन सभी फोन्स की वो मीडियम लेवल पे रखी गई है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं टाइमर को और देखते हैं कि कौन सा फोन हमें कितना बैटरी बैकअप दे पाता है। और दोस्तों आपको बता दें कि रियलमी XT को हमने रियलमी UI और Redmi Note 8 Pro को MIUI 11 पर अपग्रेड कर दिया है। दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं बैटरी साइज़ का, तो यहाँ पे Poco X2 और Redmi Note 8 Pro में दिया गया है 4500 mAh का बैटरी, जबकि बाकी तीनों फ़ोन Samsung Galaxy A51, Realme XT और Realme X2 आपको देखने मिलता है 4000 mAh की बैटरी के साथ में। यहीं पर अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले की, तो इन तीनों ही फ़ोन्स में, जी हाँ, A51, XT और X2 में आपको देखने को मिलता है एक सुपर एमोलेड पैनल, जबकि यहाँ पर Poco X2 और Redmi Note 8 Pro में दिया गया है एक IPS पैनल। और दोस्तों ये सभी फोन आते हैं फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में। दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन की, तो आपको बता दें कि Realme X2 और Poco X2 दोनों ही फोन काम करते हैं Snapdragon 730G चिपसेट के साथ में। Redmi Note 8 Pro में दिया गया है MediaTek का Helio G90T चिपसेट, स्नैपड्रैगन के 712 चिपसेट के साथ में काम करता है रियलमी XT, और जो सैमसंग का गैलेक्सी A51 है ये काम करता है एक्जीनोस के 9611 चिपसेट के साथ में। और दोस्तों जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि पहले 2 घंटे के लिए हमने वीडियो प्लेबैक को स्टार्ट कर दिया है, देखते हैं कि 2 घंटे के बाद हमें यहाँ पर क्या बैटरी पोजिशन देखने को मिलती है। और दोस्तों 2 घंटे के बाद हमको देखने को मिल रहा है कि रियलमी के दोनों ही फोन्स 87% पे हैं, 82% पे है सैमसंग गैलेक्सी A51 और पोको X2, और 83% पे है रेडमी नोट 8 प्रो। चलिए अब हम करने वाले हैं 1 घंटे तक कैमरा रिकॉर्डिंग, और फिर हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और दोस्तों 3 घंटे के बाद भी हमें कुछ ऐसे ही रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। 72% पे है रियलमी X2, 73% पे है रियलमी XT, 67% पे है रेडमी नोट 8 प्रो, 66% पे है A51 और 65% पे है Poco X2। चलिए दोस्तों अब हम करीब 1.5 घंटे तक YouTube प्लेबैक करेंगे, और फिर हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं Realme X2 है 60% पे, 59% पे है Realme XT, 49% पे आ चुका है Poco X2, 51% पे है A51 और 54% पे है Redmi Note 8 Pro। और अब हम करने वाले हैं एक्सट्रीम गेमिंग अल्फाट 9 के साथ में, करीब 1 से 1.5 घंटा उसको प्ले करेंगे और फिर देखेंगे बैटरी स्टेटस। और दोस्तों 1.5 घंटा अल्फाट 9 प्ले करने के बाद यहाँ पर हमें कुछ अलग रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं।
काफ़ी ज़्यादा बैटरी ड्रेन हो चुका है इन सभी फ़ोन्स का। यहाँ पर हम देख सकते हैं रियलमी एक्स टू है 30% पे, 26% पे है पोको एक्स टू, 24% पे है A51, 20% पे है रेडमी नोट 8 प्रो और 23% पे आ चुका है रियलमी एक्स टी। और दोस्तों फ़ोन्स को यूज़ करते हुए 7 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर हमको देखने मिलता है पोको एक्स टू है 14% पे, 18% पे है रियलमी एक्स टू, 11% पे है A51, 8% पे है रेडमी नोट 8 प्रो और 11% पे ही है रियलमी एक्स टी भी। और अब देखना ये होगा कि कौन सा फ़ोन हमें कितना स्क्रीन टाइम दे पाएगा। और दोस्तों 7 घंटे और 41 मिनट के बाद कम्प्लीटली स्विच ऑफ हो चुका है Redmi Note 8 Pro। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इस Redmi Note 8 Pro को हमने MIUI 11 पे अपग्रेड कर दिया था। और दोस्तों 7 घंटे और 49 मिनट के बाद सैमसंग का गैलेक्सी A15 भी फुली डिस्चार्ज हो चुका है। यहाँ पर भी मैं कहूँगा कि अच्छा स्क्रीन टाइम हमको देखने को मिलता है, क्योंकि बैटरी 4000 mAh का था लेकिन जो डिस्प्ले है वो सुपर एमोलेड है, इसीलिए यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा स्क्रीन टाइम देखने को मिला है। और दोस्तों 8 घंटे और 2 मिनट के बाद रियलमी एक्स टी भी कम्प्लीटली स्विच ऑफ हो चुका है। वैसे दोस्तों रियलमी यू आई अपग्रेड करने के बाद यहाँ पर हमें बैटरी में कोई भी डिफरेंसेस देखने को नहीं मिले हैं। और पोको एक्स टू भी कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो चुका है, टाइम हमको देखने मिला है 8 घंटे और 7 मिनट का। और दोस्तों फाइनली रियलमी एक्स टू को टाइम लगा है 8 घंटे और 22 मिनट फुली डिस्चार्ज होने में। तो यहाँ पे इस राउंड का विनर होता है रियलमी एक्स टू, क्योंकि यहाँ पर बैटरी तो 4000 mAh का था लेकिन जो डिस्प्ले था वो सुपर एमोलेड था। और इसके अलावा यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 730G चिपसेट देखने को मिल जाता है जो कि 8 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर काम करता है। तो नो डाउट यहाँ पर आपको ऐसा बैटरी बैकअप तो देखने को मिलना ही वाला है। हालांकि हमने जो बैटरी इन कंपैरिजन किया था रियलमी एक्स टू का, वहाँ पे ये थोड़ा सा कम चला था, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद मुझे देखने को मिला है कि इसके जो बैटरी है वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। चलिए दोस्तों फिर से हम करने वाले हैं इन सभी फ़ोन्स को 0 to 100% चार्ज, और इन्हें चार्ज करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं इनके ओरिजिनल चार्जर्स। आपको बता दें रियलमी एक्स टू सपोर्ट करता है वो फ्लैश चार्ज 4.0 को, जहां पे आपको मिलता है 30 वोल्ट की चार्जिंग। और दोस्तों रियलमी एक्स टी सपोर्ट करता है वो फ्लैश चार्ज 3.0, जहां पे हमें 20 वोल्ट की चार्जिंग देखने को मिलती है। और अगर हम बात कर रहे हैं पोको एक्स टू की तो ये सपोर्ट करता है 27 वोल्ट की क्विक चार्जिंग। और दोस्तों रेडमी नोट 8 प्रो सपोर्ट करता है 18 वोल्ट की क्विक चार्जिंग। और अगर हम बात कर रहे हैं सैमसंग A51 की तो ये सपोर्ट करता है 15 वॉट का सैमसंग फास्ट चार्जिंग। चलिए अब मैं इन सभी फ़ोन्स को चार्जर से कनेक्ट कर लेता हूँ, और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कनेक्ट हुए हैं हमारे सारे स्मार्टफोन चार्जर्स के साथ। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं स्टॉप वॉच को और देखते हैं कि कौन सा फ़ोन कितना टाइम लगाता है 0 to 100% चार्ज होने में। दोस्तों
दोस्तों फोन्स को चार्ज करते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, जहां पर हमको देखने को मिल रहा है पोको X2 है 16% पे, 21% पे है रियलमी X2, 10% पे है A51, रेडमी नोट 8 प्रो है 10% पे और 15% पे है रियलमी XT। और अब हम 30 मिनट के बाद देखेंगे कि हमें यहां पर क्या बैटरी स्टेटस देखने को मिलता है। तो दोस्तों फोन्स को चार्ज करते हुए 30 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, जहां पर हमको देखने को मिल रहा है 57% पे है पोको X2, 66% पे है रियलमी X2, 32% पे है A51, 38% पे है रेडमी नोट 8 प्रो और 49% पे है रियलमी XT। अब दोस्तों बारी है एक घंटे के बाद इन सभी फोन्स को चेक करने की। और दोस्तों फोन्स को चार्ज करते हुए एक घंटा कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर हमें थोड़े से शॉकिंग रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि पोको X2 रियलमी X2 से आगे हो गया है और यह है 98% पे। 93% पे है रियलमी X2, 63% पे है A51, 76% पे है Redmi Note 8 Pro और 88% पे है रियलमी XT। अब देखना ये होगा कि पोको X2 को कंप्लीट चार्ज होने में कितना टाइम लगता है। और दोस्तों एक घंटे और 5 मिनट के बाद फुली चार्ज हो चुका है पोको X2। जी हाँ, बहुत ही क्विक चार्ज हमको यहाँ पर देखने को मिला है। इनफैक्ट रियलमी X2 से भी ये पहले चार्ज हुआ है, जो कि मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छी बात है। और दोस्तों इस समय पर रियलमी X2 है 95% पे, 68% पे है A51, 81% पे है रेडमी नोट 8 प्रो और 91% पे है रियलमी XT। दोस्तों Realme X2 भी फुली चार्ज हो चुका है, टाइम लगा है 1 घंटे और 16 मिनट का। जब हमने पहले चार्ज किया था इसको कुछ समय पहले, तब भी लगभग इतना ही समय देखने को मिला था Realme X2 का फुल चार्ज होने में। और दोस्तों 1 घंटे और 20 मिनट के बाद हमको देखने को मिल रहा है 84% पे है A51, 91% पे है Redmi Note 8 Pro और 98% पे है Realme XT। एक घंटे और 23 मिनट के बाद रियलमी XT भी फुली चार्ज हो चुका है। और दोस्तों 1 घंटे और 48 मिनट के बाद जब हमने इसको चेक किया तो दोनों ही फोन्स 98% पे थे। दोस्तों हमने पहले भी देखा है कि Redmi Note 8 Pro को 90-100% जाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, तो ऐसा ही कुछ इस बार भी हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों 1 घंटे और 53 मिनट के बाद A51 फुली चार्ज हो चुका है, जी हाँ 100%, लेकिन Redmi Note 8 Pro अभी 99% पर है। तो दोस्तों Redmi Note 8 Pro भी 100% चार्ज हो चुका है, टाइम लगा है 1 घंटे और 57 मिनट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी फ़ोन हो चुके हैं 100% चार्ज, और इस राउंड का विनर होता है पोको X2, जो कि चार्ज हुआ था करीब 1 घंटे और 5 मिनट में। तो दोस्तों ये था इन सभी फ़ोन्स के बीच में बैटरी ड्रेन और चार्जिंग टेस्ट कंपैरिजन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इन सभी फ़ोन्स की बैटरी और चार्जिंग स्टेट कोई भी क्वेरी नहीं होगी। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्प लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और वीडियोस देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहें। और आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।